तो दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस, जी हाँ यूपी पुलिस की जो वैकेंसी चल रही है उनका 17 फरवरी और 18 फरवरी को एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, मतलब कुल मिलाकर 4 शिफ्टों में एग्जाम था। उससे रिलेटेड काफी चर्चाएं चल रही थी कि क्या सर ये एग्जाम जो है पोस्टपोन होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग खबरें उड़ रही हैं कि ये जो भर्ती है इसका जो पेपर है वो लीक हो गया है। तो उन बच्चों के लिए तो बेनिफिट होने वाला है कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए थे उन्होंने कुछ करा धरा है नहीं और वो चाह रहे हैं कि भाई हमारा ये जो पेपर हुए हैं 2 शिफ्टों में 4 शिफ्टों में 2 दिन वो कैंसिल हो जाए जिससे कि हमें फर्दर फिर मौका मिल जाए। लेकिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है और पारदर्शिता के साथ उन्होंने एग्जाम दिया है उनके साथ बुरा ना हो, इससे रिलेटेड एक भर्ती बोर्ड ने, रिक्रूटमेंट सेल ने एक अपना कमेंट्स दिया है, उस पर अपना राय रखी है कि भाई इसको लेकर क्या वो सोचते हैं, आगे इस पर क्या अपडेट है कि क्या ये भर्ती जो है वो पोस्टपोन होने वाली है, क्या पेपर दोबारा कराया जाएगा, उसी से रिलेटेड ये वीडियो हम बनाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बातें उड़ रही थी 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट के बारे में बात चल रही है, फर्स्ट शिफ्ट के बारे में हम या आप या आपस में ही चर्चा चल रही, उससे रिलेटेड कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि भाई ये जो पेपर है ये लीक हुआ है। तो जो बातें निकल के आ रही हैं वो सेकंड शिफ्ट की बातें निकल के आ रही हैं, चाहे वो 17 फरवरी की हो या 18 फरवरी की हो। अब इससे रिलेटेड एक रात को 11 बजे मतलब 18 फरवरी रात को 11 बजे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ट्विटर पर एक कमेंट्स किया गया है, एक पोस्ट की गई है जिसमें लिखा गया है कि ये देखा प्राय ये देखा गया है, हमें संज्ञान में आया है कि इस तरह की खबरें उड़ रही हैं कि यूपी पुलिस भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ है, जो अपडेट है। तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट दृष्टिता मैं यहां पर आपको लगा दूंगा, देख लीजिए पढ़ लीजिएगा, उनकी जो लैंग्वेज से पता चल रहा है कि वो मानने को अभी मतलब ये मान नहीं रहे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई इस तरह का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें संज्ञान में आया है इस तरह की मार्केट में खबरें उड़ रही हैं, सोशल मीडिया पर खबरें उड़ रही हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती हो रही है उसका पेपर लीक हुआ है, तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस की सहायता लेते हुए इसकी जाँच कराएंगे, गहनता से जाँच कराएंगे और जो भी आउटकम इसमें निकल के आएगा आप सभी को इसमें बता दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि उनको देखिए कोई भी पेपर लीक कराने में सरकार का, प्रशासन का या भर्ती बोर्ड का ऐसा कुछ नहीं, अगर वो चाहें कि भाई उनको बंदे ही चाहिए तो एग्जाम ना करके अपने अपने लड़के रख लें, तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। उनके लिए राज्य में रहने वाले नागरिक जो भी बंदे वहाँ पर रहते हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि यार पारदर्शिता के साथ सारे एग्जाम हो। तो जो भर्ती बोर्ड के जो पोस्ट क्या है अगर उसको हम देखें तो वहाँ पर यही पता चलता है कि उनको पता चला है कि यार ऐसी कोई अफवाह उड़ रही है, हम उसकी फर्स्ट दृष्टता उत्तर प्रदेश पुलिस से जांच कराएंगे, अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि पेपर पोस्टपोन कराना पड़े, कैंसिल कराना पड़े, तो वो करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड भर्ती बोर्ड की तरफ से पहली पोस्ट कल 18 फरवरी रात को 11 बजे की गई है उससे रिलेटेड है। हम चाहते हैं और सब यही चाहते होंगे कि जिसने इसमें धांधली की है, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से इसके लिए मेहनत कर रहे थे और जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसकी पात्रता रखते हैं, जिसने मेहनत की है कड़ी, वो इसमें आगे जाएं, वो नौकरी लें, और जिसने इसमें धांधलीबाजी की है वही लोग सामने आए और उनकी धरपकड़ी हो और जेल जाएं, क्योंकि किसी के भी भविष्य के साथ खेलना सही नहीं है। तो कोई भी अपडेट के माध्यम से आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब से होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप सबसे पहले जो भी जानकारी आएगी उसको देख पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोई भी अपडेट आएगी उस पे मैं डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।